रानिया विधानसभा से निर्दलीय विधायक व हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आगामी चुनावों में खुलकर भाजपा का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रणजीत सिंह चौटाला आगामी लोकसभा चुनावों में हिसार सीट पर भाजपा का टिकट चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रणजीत सिंह चौटाला को भाजपा की टिकट नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल उठने लगे कि टिकट न मिलने की सूरत में रणजीत सिंह चौटाला की चुनावों में क्या भूमिका रहेगी। हालांकि फतेहाबाद पहुंचे रणजीत सिंह चौटाला ने यह साफ कर दिया है कि वो एक स्वाभिमानी आदमी हैं, इसलिए वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे और चुनाव में भाजपा की हर संभव मदद करेंगे। रिजल्ट आया तो एक घंटा पहले मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। निकल के जब सर्टिफिकेट लेके बाहर निकला, बहुत 20,000 से ऊपर वो काउंसिल जीता, सबकी जवाब से जब मुझे पहले दिन सीएम साहब का फोन आया कि तो साहब आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने का अगर सीट का इलेक्टेड पर्सन एक नंबर आदमी मुझे ये कह रहा है तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाए। वो कहने के मुझे आगे भी कुछ आपसे कहना है, उम्मीद है। मैं कहने का जी मैं आपके साथ हूँ, अगर कांग्रेस की 57+1 आ गई और आपकी 23+ हुई तो मैं आपके साथ हूँ, उधर नहीं जाऊँगा, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। देखिए अगर पार्टी मैं बीजेपी के लिए कंपेन करूंगा, मैंने तय उसी दिन कर लिया था कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। जिस कांग्रेस की खिड़की छोड़ गया है, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, वहां जाके नहीं खड़ा हो सकता। मैंने हाउस में भी कहा था मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन करता। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट न मिलने पर रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रानिया हलके से चुनाव लड़ा और बड़े वोटों के अंतर से जीत भी दर्ज की। रणजीत चौटाला खुद बताते हैं, नतीजे से पहले ही सीएम मनोहर लाल ने उन्हें फोन कर पहले ही जीत की बधाई दे दी थी और सरकार बनाने के लिए समर्थन की भी मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से वादा किया कि मेरा समर्थन भाजपा को ही रहेगा, फिर चाहे कांग्रेस बहुमत में ही क्यों न रहे। बहरहाल रणजीत सिंह चौटाला को अब भी उम्मीद है कि हिसार सीट से उन्हें भाजपा की टिकट मिल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा रणजीत सिंह को टिकट देगी या फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।